वेलकम टू हिस्ट्री मैथ एडमेटिक सेटअप फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राकेश यादव सर की चैप्टर वाइज बुक का ज्योमेट्री का सॉल्यूशन। और हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 255 से 285। इससे पहले हम 254 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 255 क्या पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस हाफ बी प्लस सी इक्वल टू 140 देन बी इज, हमें दे रखा है एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 140 और हमें बी का मान बताना है। अब देखो, हमें मालूम है तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, मगर अभी हमारे पास पहला कोण पूरा है, दूसरा कोण भी पूरा है, मगर तीसरा कोण कितना दे रखा है, आधा दे रखा है ना। और हमें मालूम है तीनों कोणों का योग होना कितना चाहिए, 180 होना चाहिए, मगर जो बी है आधा, और उसकी वजह से अंतर कितना रहा है, यहाँ पे 180 होना चाहिए मगर अंतर है 40 का, क्योंकि 140 आ रहा है। तो यानी कि हाफ बी का मान कितना हो गया, हाफ बी का मान हो गया 40, तो बी कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। आंसर बी ही निकालना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड डी। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, और एक हमने सीधी रेखा खींची है बी सी के समांतर, तो बी सी के समांतर एक हमने रेखा खींच दी जिसका नाम है डी और ई, जो कि ए बी को डी पे काटता है और ए सी को ई पे काटता है। हमें दे रखा है ए बी बराबर 2AD, ए बी बराबर 2AD। अगर हमारा हमने डी ए को एक्स मान लिया तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ये पूरा लेंथ 2x हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें ए डी और ए बी का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, हमें इस रेखा का और इस रेखा का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा रिलेशन होता है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। और फ्रेंड्स, ये आता कहाँ से है, ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से आता है, समरूपता से आता है, समरूपता या सिमिलैरिटी। ठीक है, और हमें इसका रिलेशन ए डी का मान कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, और ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 2x/2x, तो एक्स एक्स शहीद हो गया, तो डी ई अपॉन बी सी क्या आ गया, 1:2। डी ई अपॉन बी सी पूछा है, डी ई अपॉन बी सी तो हो कितना गया, 1:2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर टू पॉइंट्स। ओके, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा आगे तक पूछा हुआ है, हमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, एक बार हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको बना लेते हैं। इतना दे रखा है और नाम दे रखा है ए बी सी डी और ए। हमें ये दे रखा है कि ये जो लाइन डी है ना, इसने इस ट्राइंगल को और क्वाड्रिलेटरल में दो भागों में बांट दिया, एक बड़े ट्राइंगल को एक छोटे ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल में डिवाइड कर दिया है, मगर इन दोनों का जो एरिया है ना, क्षेत्रफल है इन दोनों का, वो बराबर है। ठीक है, ये जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है जो, वो बराबर है, और हमसे पूछा क्या है, बी डी और ए बी का अनुपात पूछा है, इसका इतने से का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो पूछा है, तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। डी वर फिर से लिख देते, डी मिट गया। ओके, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ठीक है, और इसी के साथ एक और रिलेशन होता है, ये तो रिलेशन है ही, साथ में एक रिलेशन और होता है एरिया का। अब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल बन जाएंगे, अभी हम दो ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, एरिया ट्राइंगल
डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर जो भी उनकी साइड्स होती हैं उनका वर्ग का जो अनुपात होगा वही उनके एरिया के अनुपात के बराबर होगा। तो अभी हमें साइड आप कोई से भी ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी हम ए बी और ए डी ले लेते हैं। तो ए डी आ गया छोटे ट्राइंगल का और बड़े ट्राइंगल का आ गया ए बी, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये दोनों जो एरिया हैं बराबर है, ठीक है, ये दोनों एरिया बराबर है। तो अगर ये भी एरिया एक्स होगा तो ये भी एरिया एक्स होगा, क्योंकि इन दोनों एरियाज़ का रेशियो बराबर है। तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा 2x, है ना। यानी एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा 2x, और ऊपर वाले का x हो जाएगा। तो x अपॉन 2x हो गया एरिया का अनुपात इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। हमने क्योंकि सेम एरिया माना है तो इस पूरे का एरिया हो जाएगा 2x² और इस छोटे वाले का हो जाएगा x², ठीक है। तो इस x से ये x शहीद हो गया। अब इस अंडर रूट स्क्वायर को हटाने के लिए इसका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, ए डी अपॉन ए बी बराबर 1/√2, ये आ गया। अब देखो ए बी की वैल्यू आ गई √2 और ए डी की वैल्यू आ गई 1। हमें निकालना क्या है, ए बी का तो वैल्यू आ गया √2, डी बी और निकालना है। अब देखो ध्यान से देखेंगे, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हमने इस भुजा की लेंथ निकाल ली, इस भुजा की कितनी आई है ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ आई √2, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई √2। उसके बाद हमने क्या निकाली है, उसके बाद हमने निकाली है ये वाली लेंथ इतनी सी, वो ए डी इतनी ही है ना, उसकी लेंथ आई है 1। अगर पूरी √2 है और इतनी सी 1 है तो ये जो बची हुई है ये कितनी होगी, √2 - 1, ठीक है। और हमें रेशियो क्या बताना है, डी बी, यानी कि डी बी, डी बी की वैल्यू कितनी है √2 - 1। तो √2 - 1 रेशियो ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है √2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी यही ऑप्शन है, ठीक है। √2 - 1 रेशियो √2, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एक छोटा सा अप्रोच पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो सिंपल ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2a = 3b = 6c। ये तो वैसे रेशियो का क्वेश्चन है, दे रखा है 2a = 3b = 6c। अब यहाँ से पहले वाले पार्ट से हम क्या लिख सकते हैं, a/b = 3/2, ठीक है। अगर हम बाद के दो को कंपेयर करें तो b/c कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/3, यानी कि 2/1, ठीक है। तो देखो b इधर भी 2 था, b इधर भी 2 है, तो हम ए बी सी क्या लिख सकते हैं, a:b:c क्या हो जाएगा, 3:2:1, ठीक है। मगर ए बी सी है क्या, ए बी सी किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं और हमें मालूम है उनका योग 180 होना चाहिए, यानी कि 3x + 2x + x = 180, तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो ये हो कितना गया, 3 × 2 = 5, 6, 6x = 180, तो x = 30 आ गया। हमें निकालना है b का मान, b है क्या, b है 2x, है ना। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 30 = 60, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, उसमें D और E जो है वो AB और AC में बने हुए हैं। तो ये हो गया AB, ये बन गया D और ये हो गया E, ये AC बन गया C। AD का मान दे रखा है 3, BD का मान दे रखा है 5, तो लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलली होगा, ठीक है। और साथ में AC दे रखा है 4, AC का मान कितना है, AC का मान है ऐसा तक 4, ठीक है। तो क्या निकालना है, देन AE का मान निकालना है। अब देखो फ्रेंड्स, जिस अनुपात में AD और DB होते हैं ना, उसी अनुपात में AE और AC होते हैं, यानी कि AD/DB = AE/EC, ठीक है।
अब ये जो हमारा एसी है, एसी एसी है क्या एक्चुअल में? एसी जो है वो है क्या? ए ई प्लस ई सी। तो जिस अनुपात में ए डी होगा उसी अनुपात में ई सी होगा, मतलब ए ई होगा। तो ये भी 3x होगा और ये भी 5x होगा। तो ये एक्चुअल में बन कितना गया? ये बन गया 8x। 8x का मान 4 है, तो x का मान कितना आ जाएगा? आधा। तो ए ई की लंबाई कितनी आ गई? मैं बार लिख देता हूँ, ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी। और वो है कितना? ए ई का मान कितना है? 3x, प्लस ई सी का मान है 5x। और ए सी है कितना? ए सी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बराबर 8x, 4 बराबर 8x, तो x बराबर 1/2, आधा है। तो मैं निकालना ए ई है, ए ई का मान 3x है, तो 3 × 1/2 = 1.5 आंसर आ गया, है ना। 1.5 को 3, वो सॉरी 3 को आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आता है। ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द मेजर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ओके, छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास एक एंगल है, कोई भी एक एंगल, तो उसके इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। प्रॉपर्टी है, आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक का जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में, वो कितना बनेगा? हमेशा 90 का बनेगा। तो ये तो याद रखने वाली बात है, डी आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द इंटरनल बाइसेक्टर। फ्रेंड, जब भी क्वेश्चन में आ जाए आंतरिक समद्विभाजक, है ना, तब आप खुद समझ जाइए कि ये इन सेंटर की बात कर रहा है, अंतः केंद्र की बात कर रहा है ना। और उस केस में BIC क्या होता है? BIC होता है A/2 + 90 डिग्री। अगर ये एंगल एक है तो ये एंगल हो जाए ABC, तो ये जो एंगल होगा BIC, तो ये कितना होगा? 90 + A/2। ठीक, इसके अगर ये A है तो यहाँ पे A आएगा। अगर हम इसको इधर से पूछते, ये वाला एंगल पूछते तो B आता, और अगर हम ये वाला एंगल पूछते तो सी आता, C/2 आता। तो अभी हमसे पूछा क्या है? A/2 तो दे ही रखा है, हमें x पूछा हुआ है, x x को कंपेयर कर लो, x की जगह क्या लिखा हुआ? 90, तो आंसर आ जाएगा 90। ये भी एक सिंपल प्रॉपर्टी थी, वो भी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए ट्री ऑफ हाइट h मीटर्स इज ब्रोकन बाय ए स्टॉर्म इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर्स फ्रॉम फुट। फाइंड द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लो, सबसे छोटा होता है 3, 4, 5, ठीक है। एच इज ग्रेटर देन एक्स, ओके। अब देख लो हाइट इसमें कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है, और बेस 4 दिख रहा है। तो ये इस केस में ये उल्टा भी हो सकता है, 4 और 3 भी हो सकता है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी हमें इस क्वेश्चन में और कुछ हिंट नहीं दे रखा, तो हमें एक्स क्या दे रखा है? ये जो बेस है ये एक्स दे रखा है, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है? ओके, और एच जो है वो पेड़ की पुरानी हाइट है। पहले पेड़ ऐसे खड़ा था, अब फिर ये टूटने के बाद ये पोर्शन यहाँ पहुँच गया है, यानी कि जो एच होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 5 + 3 = 8। तो ठीक है, बिल्कुल हाइट बड़ी ही है उससे। तो हमें बताना है कि इन में से करेक्ट फॉर्मूला, मतलब जो भी वैल्यू बनेगी वो कौन सी हो जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं, हमें इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस ले लेते हैं नीचे, क्योंकि पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहे, क्योंकि डायग्राम तो हमने बना ही लिया, इसी के आधार पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगती है उसमें होता क्या है,
उसमें जो भी हमारी वैल्यू आएगी हाइपोटेनस की, अभी हाइपोटेनस हमारा 8 5 है, मगर एच जो था वो था क्या, वो इन दोनों का योग था, एच जो था वो 5 + 3 था, ठीक है। तो मगर अभी हाइपोटेनस हमारा जो कर्ण है वो 5 ही है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये लेंथ होगी वो क्या होगी, वो एच माइनस एक्स होगी, मतलब माइनस में होगी, ठीक है ना, माइनस में। तो देखो माइनस वाले कौन से ऑप्शन है, बी और डी, क्योंकि प्लस वाले हो सकते, क्योंकि अपने को यहाँ पे 5 लाना है, मगर अगर हम यहाँ पास प्लस लगा देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो प्लस वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो प्लस वाले तो बेचारे अपने आप कट गए, ठीक है। अब हमें इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। अब देख लो एच को हमने कितना लिया है, 8 लिया है, 8 का स्क्वायर हमें इसमें निकालना क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं कि मैंने वो तो देखा ही नहीं कि निकालना क्या था। अच्छा, हमें ये हाइट निकालनी है, अभी हमने हाइट मानी है 3, जहाँ से वो टूटा है ना, हमें ये वाली हाइट निकालनी है, यहाँ से पेड़ टूटा था, हमें ये वाली हाइट निकालनी है जहाँ से टूटा है, ठीक है, ये वाली हाइट निकालनी है। तो बस सॉल्व करके अपने पास 3 आना चाहिए। तो देख लो, अब वो ये भी हो सकता है कि उसने, अभी हम एक्स को 4 ले रहे हैं और हाइट को 3 ले रहे हैं, तो ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, तो मगर आंसर माइनस वाला ही होगा, वो चेक कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि एच तो हमारा 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर माइनस एक्स कितना है, अभी एक्स हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर बटे 2 एच, 2 × h, एच है कितना 8, तो 8 × 2 64 माइनस 4 चौक 16 बटे 8 दूनी 16, 48 बटे 16, 3 बिल्कुल सही है, देखो हाइट 3 ही है, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, बस आपको अगर ये लॉजिक पता होना चाहिए, वरना पेपर में आप इस क्वेश्चन को सोचते रह जाओगे और टाइम काफ़ी लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल हाइट थी पेड़ की वो पूरी थी जो हमने लिए 8, ठीक है, टूटने के बाद वो ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे वही अप्रोच यूज़ करी है, और इसमें मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल का लॉजिक और लगा दिया, ताकि ऑप्शंस को सेलेक्ट करना आसान हो जाए। तो अभी के लिए ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज एक्सटेंडेड टू डी। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, और हमने बी सी को डी तक बढ़ा दिया ए सी, और ये जो हमारा एंगल ए सी डी है इसका मान दे रखा है 120। अगर ये 120 है तो ये कितना बचेगा, ये 60 बचेगा, ठीक है। एंड ए बी सी सी ए बी, और हमें दे रखा है एंगल बी जो है वो एंगल ए का आधा है, एंगल जो बी है वो एंगल सी का आधा है, तो यानी कि अगर ये 2x होगा तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, अपने को दे रखा है ए बी सी बराबर हाफ सी ए बी, यानी कि अगर सी ए बी 2x है तो सी बी ए x होगा, हाफ दे रखा है। अब हमें एक बात पता होनी चाहिए, किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, जो बाह्य कोण होता है, वो विपरीत दोनों कोणों के बराबर होता है, विपरीत दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके विपरीत कौन से दोनों कोण है, तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, अब इन दोनों का योग करोगे तो इसके बराबर आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, x + 2x = 120, तो 3x = 120, तो x = 40 हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यानी कि एंगल बी निकालना है, तो x का मान कितना 40, तो 40 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू बी एंगल ही x है, और x की वैल्यू 40 निकला, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, और बी सी पे एक पॉइंट है डी जो जो कि उसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। ए डी को हमने ज्वाइन किया है, और ए डी की लंबाई है 27। एन इज ए पॉइंट ऑन ए डी, एन एक बिंदु है ए डी के ऊपर,
हमें डीएन की लंबाई 12 दे रखी है, जो डीएन है इसकी लंबाई 12 दे रखी है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ एन फ्रॉम सेंट्रोइड, इस क्वेश्चन को रीड करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में जो वो किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है ना, जो माध्यिका होती है, वो भुजा को दो बराबर बराबर भागा बांटती है। तो देखो क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि पॉइंट डी ने बी सी को दो बराबर बराबर भागा बांट दिया, कहने का मतलब जो ए डी है वो एक माध्यिका है, मीडियन है, और मीडियन पर ही सेंट्रॉयड होता है ना, यानी कि इस मीडियन पर ही कहीं सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड को हम जी से लिखते हैं। और जो हमारा सेंट्रॉयड होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 भाग में बांटता है, यानी कि ऊपर का पार्ट यानी कि ए जी रेशियो जी डी बटेगा किस में, 2:1 में। और हमें माध्यिका की लंबाई कितनी दे रखी है, 27 है ना, तो 27 को अगर हम 2:1 में बांटें तो कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9 है ना। तो यानी कि जी डी की लंबाई हो गई 9 और ए जी की लंबाई कितनी हो गई, 18। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि डी एन बराबर 12 है ना, और हमें सेंट्रॉयड से एन की दूरी निकालनी है। तो ये दूरी है 12 और सेंट्रॉयड की दूरी है 9, तो अंतर कितना हो जाएगा, 12 - 9 = 3, यानी कि यहाँ से लेके ये जी कहीं नीचे आना चाहिए था ना, मैंने ऊपर बना दिया, इसको मिटा के वह नीचे कर देते हैं, ये नीचे आएगा है ना, जी कहीं यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 9, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 12 - 9 = 3, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इंटरसेक्ट एट ओ आर ओ की 90 से, व्हाट द वैल्यू ऑफ आर पी क्यू, बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें एंगल क्यू का बाइसेक्टर और एंगल आर का बाइसेक्टर, ये आर है, ये ओ पे काटते हैं और ये एंगल है 96 का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें पी निकालना है, ठीक है। तो अभी हमें मालूम ही है कि जब भी इन सेंटर होता है तो इन सेंटर में ही बाइसेक्टर की बात आती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले की बात बताई थी, ठीक है। और उसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 90 + a/2, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है और 90 + a/2 की वैल्यू को दे रखी है 96, तो 90 + a/2 = 96 - 90, तो a/2 = 6, तो a बराबर 12 आ गया, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 12 डिग्री का हो जाएगा। बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर। और ये प्रॉपर्टी है किसकी, इन सेंटर की, अंतः केंद्र की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज में डी ई एफ उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, है ना, तो बना देते हैं डी ई एफ मध्य बिंदु है, इन्हें जोड़ दो। तो जब भी हम किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को जोड़ेंगे ना, तो जो सबसे अंदर वाला ट्रायंगल बनेगा, जो छोटा सा ये वाला, अगर इसका एरिया 1 हो जाएगा तो इस पूरे का एरिया कितना होगा, 4 होगा, इसके अंदर 4 बराबर ट्रायंगल बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 बराबर ट्रायंगल बन जाएंगे, तो इस पूरे का एरिया बन जाएगा 4x और ये छोटे वाले का x बन जाएगा। तो इनके एरियाज का अनुपात कितना हो जाएगा, बड़े वाले का 4x और छोटे वाले का x, यानी कि 4:1। अब देख लेते हैं हमसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया, अच्छा नाम लिखने पड़ेंगे, बी सी में डी है, बी सी, ओके अब बना देख लेते नाम, डी ई एफ बी, डी ई एफ बी, ओके। अब देखो हमें ये पूछा हुआ है हमसे, एक तो ये एरिया, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं यानी कि इसका एरिया हो गया 2x, ठीक है। सी ए एफ डी, सी ए एफ डी,
नाम लगता है एफ ए बी में है। ओके, नाम उल्टे पुल्टे लिख गए। हाँ, अब नाम ठीक है। DEFB, हाँ करेक्ट है। CAFD, ओके। अब देखो CAFD में कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? तीन ट्राइंगल हो जाएंगे, ये तीन ट्राइंगल है, तो ये रहा CAFD, इसमें तीन ट्राइंगल हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 3x, तो एरिया हो कितना गया? 2:3, ऑप्शन नंबर डी। बस आपको ये देखना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द मेजर ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:3:5। अगर हमारे पास किसी को एक ट्राइंगल जिसके एंगल्स का अनुपात 2:3:5 है, तो वो कैसा कोण होगा? अब देखो तीनों कोण अलग अलग हैं, है ना, तो कैसा बन जाएगा ये? एक बार इसको जोड़ के देख लो। 5 3 8 2 10 18। अब देखो 2x + 3x + 5x = 180, क्योंकि तीनों कोणों का भी 180 होना चाहिए, तो ये हो कितना गया? 10x = 180, तो x का मान आ गया 18। तो पहला कोण हो गया 18 डिग्री का, दूसरा कोण हो गया 18 30 54, और तीसरा कोण हो गया 90 का, है ना। यानी कि एक कोण बन गया 90 डिग्री का, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। समकोण त्रिभुज, एक भी एंगल 90 डिग्री का बनते ही समकोण त्रिभुज बन जाएगा, वो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन भी हमें किसी ट्राइंगल के तीन कोण दे रखे हैं, सेम प्रॉपर्टी लगेगी, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो एक बार इसको बना लेते हैं। x+15 + 6x/5 + 6 + 2x/3 + 30 = 180, ठीक है। अब ये 36 और 15, ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो क्या बचा? x + 6x/5 + 2x/3 = 180 - 36 - 15, 45 और 6 = 51, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 180 - 51, तो 180 में से 50 गए 130, तो ये हो गया 129। तो अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 15, तो इसको 15 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 15x + 6 = 18x + 10x, ठीक है। अब इनको जोड़ें तो ये हो जाएगा 25 28 और 10 38 38 और 5 38 और 5 हो गए 43। 43x = 129 × 15, इसको सॉल्व करने पे तो ये 43 से ये तीन बार जाएगा, तो x = 45 आ गया, है ना। तो ये एंगल कितने का बन जाएगा? एक्स का मान 45 आएगा, तो ये एंगल बन जाएगा 60, और ये 9 9 = 54, ये भी 60 का बन गया, और 45 15 9 30, ये भी 60 का बन गया, ये तीनों 60 60 के हो गए, तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज, है ना। तीनों एंगल बराबर बराबर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जी इज ए सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और जी उसमें उसका सेंट्रॉइड है। द मीडियन ए डी एंड बी ई, ए डी एंड बी ई, ए डी का मान दे रखा है 9, यानी कि, और आपको पता होना चाहिए कि जो मीडियन है, सॉरी, जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को 2:1 में बांट देता है, यानी कि ए जी की वैल्यू तो हो जाएगी 6 और जी डी की वैल्यू हो जाएगी 3। सिमिलरली हमें बी ई का मान 12 दे रखा है, तो ये भी 2:1 में बटेगा, तो बी जी का मान हो जाएगा 8 और जी ई का मान हो जाएगा कितना? 4। 2:1 में बांट दिया मैंने सबको। लेंथ ए बी,
ओके, हमें लेंथ ए भी निकालनी है ना। तो आपको देखो दिख ही रहा होगा कि हमारे पास, और हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा कि यहाँ पे कोण बनता है 90 डिग्री का, राइट एंगल पे काटती हैं, ठीक है, ये राइट एंगल पे काटती हैं। तो एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, आपको दिख ही रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट बनाती है। तो ट्रिपलेट क्या होती है, 6 8 की, 6 8 10, तो ये भुजा 10 की हो जाएगी, यानी कि ये साइड कितने की हो गई, 10 की हो गई। कुछ करना नहीं, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ट्रिपलेट याद है तो क्वेश्चन ख़त्म, वरना आपको सोचना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा धमाकेदार लग रहा है, देख लेते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है 3, और इनसे कोई ट्रायंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, हमें बताना क्या है। अमंग द इक्वेशंस एक्स प्लस 2y+9 बराबर 0, 5x-5, ये द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जो लाइन पास हो रही है हमें उसके बारे में बताना है, ठीक है। इन चारों में से एक उत्तर होगा, देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा ही अप्रोच है, हमें करना क्या होता है, हमें देखना होता है कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होती है ना। तो जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास होगी तो वो ओरिजिन को काटेगी ना, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं काटेगी, तो इस पॉइंट पे जो इंटरसेप्ट होता है ना वो ज़ीरो होता है। एक्स और वाई का जो कोई भी इंटरसेप्ट होगा वो कैसा होगा, ज़ीरो होगा। तो हमें कोई इन चार में से कोई ऐसी इक्वेशन देखनी जिसमें इंटरसेप्ट हो ज़ीरो, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देख लें, इसका इसमें इंटरसेप्ट दे रखा है 13, होता क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये जो सी है ना, ये ओरिजिन से डिस्टेंस शो करता है, इंटरसेप्ट शो करता है, ठीक है। तो जिस भी इक्वेशन में सी की वैल्यू 0 होगी वो आंसर होगा। यहाँ पे सी की वैल्यू 13 है तो आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे सी की वैल्यू 9 है तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे सी की वैल्यू 4 है तो ये आंसर नहीं हो सकता। और देखो ऑप्शन नंबर सी में सी है ही नहीं, है ना, खाली एक्स और वाई दे रखा है, सी की वैल्यू नहीं, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से ही है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एक्स बराबर 0, 2x+3y बराबर 6, x+y बराबर 3। हमें एरिया निकालना है कि इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा, देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट है इंटरसेप्ट का, ठीक है। ये जो इसमें इंटरसेप्ट दे रखा है ना 6, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा और वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा। अपने पास 3 लाइन है, ठीक है, एक तो एक्स बराबर 0, 2x+3y बराबर 6 और x+y बराबर 3, ठीक है ना। तो एक बार बना लेते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया। अब हमें इधर के पहले लाइन x बराबर 0, ठीक है, तो ये लाइन जो x बराबर 0 है तो ये है कहाँ पे, वो लाइन ये वाली है, ओरिजिन है ये वाली लाइन। इस लाइन पे हर जगह x क्या होगी, इस लाइन पे x हमेशा 0, वो कहीं पे भी हो सकता है मगर है क्या, x बराबर 0, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन क्या है, 2x+3y बराबर 6। अब हमें इस लाइन के पॉइंट्स मार्क करने हैं जो इन दोनों x को काटें। तो हम x और y ढूंढेंगे कैसे, अभी हम दूसरी लाइन की बात कर रहे हैं ना, तो जो भी x का कोफिशियंट है उसको नंबर से डिवाइड कर दो। तो x का जो कोफिशियंट है 2, उसको 6 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 3, यानी कि इस लाइन ने x को काटा होगा 3 पे, है ना, इसको 3x लिख देते हैं, ये यहाँ से आया है, ठीक है। सिमिलरली y, इसी लाइन के लिए y क्या हो जाएगा, जब 6 को हम 3 से भाग करेंगे तो आएगा 2, तो ये आ जाएगा 2y, तो इसको जोड़ दो। हमने ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर ली, एक लाइन तो हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, अब ये लाइन भी ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। अब बनाओ अगली लाइन, ठीक है, अगली लाइन है x+y=3। तो x का कोफिशियंट 1 है, यानी कि जो हमारा x होगा कहाँ पे काटेगा, 3/1 पे, यानी कि वो तो यहीं पे रहेगा, है ना। दूसरा पॉइंट आएगा वो 3y आएगा, यानी कि कहीं पे ये हो जाएगा 3y। जब हम इसको जोड़ेंगे
तो ये लाइन ऐसे ड्रा हो गई। अब हमें क्या बताना है, अब इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है, अब इन तीनों से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल जो है वो इन तीनों से तो बन रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन एक्स बराबर जीरो इतनी सी लाइन आ गई, नीचे वाली लाइन 2x + 3y बराबर छः, और ये ऊपर वाली लाइन x + 3y बराबर छः, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो बेस कितना हो गया, 3y - 2y बराबर कितना हो गया, 1, यानी कि बेस हो गया 1/2 × 1। अब हाइट, हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3 है ना, 3 है तो 3 कर दो, तो ये हो जाएगा 3/2, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना, ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, बना लेते हैं एक बारी। हमारे पास ए बी सी बन गया, डी और ई इनके मध्य बिंदु हैं, ए बी और ए सी में एंगल ए हमें 60 दे रखा है और एंगल बी 65 दे रखा है, तो एंगल ये कितना का हो जाएगा, ये 55 का हो जाएगा, है ना, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो हमें निकालना क्या है, ओके डी और ई बना देते हैं, ए बी, ओके सी ई डी, सी ई डी निकालना है। अब हमें मालूम है डी और ई मिड पॉइंट है, ठीक है। तो जब डी और ई मिड पॉइंट होंगे तो जो लाइन डी ई है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, और जब दो समांतर लाइनें होती हैं तब एक्चुअल में क्या होता है, उनके जो साथ के जो कोण होते हैं उनका योग 180 होना चाहिए, यानी कि ये जो कोण होंगे ना इनके आपस का योग कितना होना चाहिए, 180। तो 55 + x = 180 होना चाहिए, तो x बराबर कितना आ गया, 125। तो ये एंगल कितना आ गया, 125। निकालना कौन सा था, सी ई डी, सी ई डी यही निकालना था, तो कितना आ गया, 125 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर समरूप हैं और उनके एरिया का अनुपात इतना दे रखा है, तो पीआर की वैल्यू 12 है तो एसी की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एरिया जो होता है वो, एरिया का जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले देखा था, तो मैं फिर लिख देता हूँ, Area 1 upon Area 2 = side 1 का square upon side 2 का square। तो एरिया वन कितना रखा है, 256, 256, और दूसरा क्या रखा है, 441, 441 बराबर पी आर। हाँ साइड वन क्या रखा है, 12, यानी कि 12 का वर्ग अपॉन ए सी, यानी कि एक्स का वर्ग। तो इन दोनों वर्ग को हटा दो, यहाँ पे अंडर रूट कर दो, तो 256 यानी कि 16, और 441 यानी कि 21 बराबर 12/x। हमें एक्स निकालना है, तो ये 3, ये 4, तो हो कितना गया, 21 × 3/4 बराबर एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 63/4 आंसर आ जाएगा, 15 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा आंसर, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 15 से थोड़ा सा ज़्यादा, 15.75 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लो, बस आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। ओके अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ, वही वाला क्वेश्चन आ गया, मीडियन, मीडियन कह रहा हूँ, इन सेंटर वाला, जिसे हम क्या देखते थे, बी ओ सी बराबर 90 + a/2, ए की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 100/2 करना पड़ेगा यानी कि 50, तो 100 90 + 50 140, आंसर आ गया 140। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ इज द इन सेंटर, ओ इन सेंटर है
पी क्यू आर ट्राइंगल का, जिसमें क्यू पी आर बराबर 50 है, यानी कि पी का मान कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो फिर से वही आ गया ए बाई टू वाला, 90 प्लस ए बाई टू, तो 90 प्लस ए बाई टू लगाना है, तो 50 का आधा होता है 25, तो 90 प्लस 25 बराबर 115 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ओ इज द सर्कम सेंटर, ओ हमें सर्कम सेंटर दे रखा है, और हमें एंगल ए दे रखा है 85, ए बी सी, हमें ए दे रखा है 85, एंगल सी दे रखा है 75, तो ये कितना बच जाएगा, 90 और 70 160, ये 20 का बच जाएगा। ठीक है, ओ ए सी निकालना है, ओ ए सी हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो, जब भी हमें इन सेंटर दे रखा, सर्कम सेंटर दे रखा होता है, और हमें अभी निकालना क्या है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ओ ए सी, यानी कि ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए हमें पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल होगा तो होता क्या है एक्चुअल में, अब ठीक इसके साइड का जो विपरीत एंगल होता है ना, विपरीत मतलब कि इसके पीछे वाला जो एंगल होता है उसका डबल होता है। सर्कम सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो सर्कल के पैरीमीटर पर जो एंगल बनेगा उसका डबल होता है। अगर ये 20 है तो ये 40 का बनेगा। ठीक है, अगर ये 20 का है तो 40 का बनेगा। और जो रिमेनिंग दोनों एंगल हैं, अब क्योंकि ये लेंथ सबकी ओ ए और ओ सी की लंबाई बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये भी 70 का होगा, ये भी 70 का होगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं और तीनों एंगल का सम होना चाहिए हमारा 180। तो अगर ये 40 का है और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो मैं अब सॉल्व कर देता हूँ, 40 प्लस 2x बराबर 140, तो 2x ये 180 होगा, है ना, तो 2x बराबर 140, तो x बराबर 70। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनेगा सर्कल के सेंटर में, वो पैरीमीटर का ठीक डबल होता है। तो अगर पैरीमीटर पे दे रखा है 20, तो सेंटर पे बनेगा 40। अगर ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, वरना टेंशन हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ए सी इज ए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू और रेडियाई। हमारे पास दो सर्कल हैं जिनका सेंटर पी और क्यू है, पी और क्यू, उसमें ए सी एक अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, अब इसकी रेडियस है 6, इसकी रेडियस है 3 छोटे वाले की। इफ ए सी, अच्छा ए सी नाम ये रहा, ए सी कट्स पी क्यू एट पॉइंट बी, ए सी जो है वो पी क्यू को बी पे कट करती है, ए बी बराबर 8, देन पी क्यू। ओके, हमें ए बी जो है वो 8 दे रखा है, तो पी क्यू की लंबाई कितनी होगी, है ना, तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें भी हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के बेस पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, आपको छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम टेंजेंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे 90 का एंगल बनता है, तो ये एंगल कैसा होगा, ये 90 का होगा। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमें दे रखी है 8, पी से और ए की लंबाई है 6, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई अपने आप 10 हो जाएगी। ठीक है, अब ये लंबाई 10 हो गई है, फिर से ऑब्वियसली ये लेंथ भी अपने आप 90 डिग्री की बन जाएगी। ठीक है, तो ये 3 है, तो ये लंबाई भी 3 होगी, तो जो हमारी ये वाली लंबाई बचेगी क्यू पी वाली, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ये, उसमें हाइपोटेनस क्या होता है, उस पर हाइपोटेनस जो होगा वो हमेशा ट्रिपलेट का सबसे बड़ा भुजा होगा। तो हमारा जो ट्रिपलेट 3 वाली होती है, वो तो 3 4 5, 3 4 5 में सबसे बड़ा बड़ी भुजा 5 है, तो बी क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5। पी बी की भी हमने लंबाई निकाली थी 10,
और क्यूबी की निकली है 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमें पी क्यू ही निकालना था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 15 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बस आपको राइट एंगल ट्राइंगल वाला अप्रोच पता होना चाहिए, और सिमिलैरिटी में लगा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल लाइंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए सेंटर। ए बी और सी डी एक सर्कल के दो जीवाएं हैं जो कि सेंटर के विपरीत दिशाओं में हैं, और उन दोनों के बीच की दूरी 17 है। ठीक है, बना लेते हैं। ठीक है, ये दूरी 17 दे रखी है हमें। अब एक ही सर्कल है तो जो उनके उनका जो रेडियस होगा ना वो बराबर ही होगा। ठीक है,